नमस्कार। आज JGP का सफीदों में पहला ऑफिस खुला है, कितने आश्वस्त हैं आप चीफ को लेकर? मैं सबसे पहले कंचन टीवी ट्यूब का धन्यवाद करता हूं, और जो हमने पार्टी की तरफ से हमारे नेता श्री दिग्विजय चौटाला को प्रत्याशी बनाया है, उसकी जीत के लिए हम सभी वर्कर सफीदों हल्के से सभी वर्कर दिन रात मेहनत करके बहुत भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और हमारी सफीदों हल्के से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बहुत हम पूरे आश्वस्त हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता कर भाई दिग्विजय चौटाला को संसद में भेजने का काम करेंगे। कितना आश्वस्त है, कितनी वोट की उम्मीद करते हैं आप? हम कम से कम 70,000 वोटों से हमारे 70,000 वोटों का हमारे टारगेट लेकर चल रहे हैं। ये इतनी हमारे सफीदों हल्के की जनता हमारे को कम से कम 70,000 वोट देकर सफल बनाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैदान में उतरे हैं, तो कंपैरिजन कैसे करना चाहेंगे आप, मतलब क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में, कैसी टक्कर रहेगी? हमारी जींद जिले की जनता भूपेंद्र हुड्डा को तो देख के भी राजी नहीं है। पहले वो मुख्यमंत्री होंदे हमारे साथ जींद जिले के साथ तो सौतेला व्यवहार रखा करता, उसको जींद जिले के वोटर क्यों वोट देंगे, किस नाम पर देंगे? उसने जींद जिले से तो पूरा मतलब ऐसा समझाया जानू पाकिस्तान है जींद जिले को, कैसे वोट दे देंगे जींद जिले के सफीदों हल्के के? BJP से रमेश कौशिक जी, उन्होंने भी बहुत कार्य किए हैं, मतलब बोला जा रहा है कि उससे उनके साथ भी अच्छी टक्कर रहेगी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैडम BJP के कैंडिडेट का तो आप कंचन टीवी है, आपने भी मतलब उनका भी इंटरव्यू लिया होगा, गांवों में जाके देखा होगा जनता में कितना विरोध है, आपने खुद ही पता है उसका कितना विरोध हो रहा है, वो तो कहीं मैदान में है ही नहीं।